नमस्कार, ये डरावना दृश्य है गोदान एक्सप्रेस यानी लोकमान तिलक से छपरा जाने वाली ट्रेन के डब्बे का। बेचारे मजदूर यात्री टिकट कराकर अपने स्थान पर इसलिए बैठे हैं कि सही सलामत अपने मंजिल पर पहुंच सकें, अपने माँ बाप और रिश्तेदारों से मिल सकें। लेकिन एक डर भी बना हुआ है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए, कहीं कोई सामान लेकर न भाग जाए। जानते हैं क्यों? आइए आपको बताते हैं ये डर इन यात्रियों को क्यों सता रहा है। तो देखिए, डब्बे में घोर अंधेरा है, ट्रेन सड़पट दौड़ रही है और बगल में ही गार्ड साहब का केबिन है एवं उसी में इलेक्ट्रिक मिस्त्री मैकेनिक रहते हैं। लेकिन बगल में किसी को नहीं पता कि इस डब्बे में रोशनी नहीं है। 18-18 घंटा, 20 घंटा इस अंधेरे में रहने को मजबूर थे यात्री। जब मुंबई से चली ट्रेन तो दिन में कुछ क्षण लाइट थी, उसके बाद से इसमें लाइट ही नहीं थी। हमारी टीम की नज़र पड़ी, लोगों से बातचीत हुई तो लोगों ने कहा कि कल जिस दिन मुंबई से चली थी ट्रेन, उस दिन दिन में लाइट थी, रात से जो लाइट कटी है अभी तक नहीं आई है। हम लोग अपना अपना सामान पकड़कर बैठे हुए हैं। आइए यात्रियों से बात करते हैं और बता दें कि यह D1 है, गोदान एक्सप्रेस, 17-11-2021 का यह दृश्य है। आखिर रेलवे जो मैकेनिक हैं, जो टेक्नीशियन हैं, आखिर उनको पैसा क्यों देती है, इतना सैलरी बैठा के देती है और ये लोग टाइम बर्बाद करते हैं। ये सब इन लोगों को चेक करना चाहिए जो नहीं होता है। अब देखना यह होगा कि यह मामला उच्च अधिकारी को संज्ञान में आने के बाद क्या उन लोगों पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये पढ़ने का समय बताएगा। D1 है ना? वहाँ तक किसी में लाइट नहीं, किसी में लाइट नहीं। लाइट कब से नहीं है इसमें? लाइट कल से नहीं है? रात भर आप लोग अंधेरे में आए हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? मुंबई से आ रहे हैं इस अंधेरे में? कौन सा ट्रेन है ये? गोदाम। ये कहाँ से आ रहे हो आप? मुंबई से। कहाँ तक जाएंगे आप? हम जाएंगे सिवान तक। सिवान तक जाएंगे। इस डब्बे में देखा जा रहा लाइट नहीं है, कब से लाइट नहीं है? रात के 10 बजे लाइट इधर से काट दिया, पता नहीं किधर से काटा, मालूम नहीं। रात भर आप लोग अंधेरे में आए हैं? रात को अंधेरे में आए हैं। तो एक डर बना हुआ होगा कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कोई लूटपाट ना हो जाए। डर हुआ नहीं है लेकिन डर बना हुआ होगा, कोई सामान हमारा ना ले जाए। अभी भी वही हाल है? अभी भी वही हाल है, अभी लाइट नहीं है, सामान अपना हाथ में लेकर बैठे हैं हम लोग, कोई पूछने नहीं आया। कहाँ से आ रहे हैं आप? जौनपुर से। जौनपुर से लाइट उठती है इसमें? नहीं लाइट। ये कौन सा डब्बा है? D1। D1 है ये? हाँ हाँ ठीक है, D1। इसमें लाइट नहीं है? लाइट इसमें नहीं। एक डर बना हुआ है चूँकि अंधेरा हो रहा है, पूरा माहौल है, इसमें चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, लोग बाहर से आ रहे हैं, बम्बई दिल्ली से आ रहे हैं। आप लोग किसी गार्ड साहब को नहीं बोले? गार्ड साहब को किसी? कोई गार्ड रूट कोई नहीं चढ़ा इस पर, कोई चढ़ेगा तब ना बात। नहीं, पीछे गार्ड का डब्बा है, आप लोग कोशिश किए कि वहाँ पे आप लोग कंप्लेन करेगा? नहीं कर पाए? नहीं, आप कोई देखने भी नहीं आया? अगर टीटी लोग टिकट चेक करने आएंगे तो उससे बात होकर करेंगे कि भाई जब पहले लाइट रोड की व्यवस्था कीजिए। क्या मांग करना चाहेंगे जो रेलवे पदाधिकारी, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? यात्री लोग को पूरा सुविधा चाहिए। और जो लोग जो जिसको बैठा के सैलरी दे रही है, जो इसमें मैकेनिक हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको टाइम पास कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए ना आगे, उनको पूरा ध्यान देना चाहिए कि हमारा मतलब गाड़ी में सब यात्री लोग को मतलब हर सुविधा या हर चीज पूरा है या नहीं है, उनको देखना चाहिए। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। रवि गुप्ता। कब से इसमें लाइट नहीं है इस डब्बे में? कल रात से नहीं है। D1 है ये? कौन सा गाड़ी है? ट्रेन ये है, गोदान एक्सप्रेस। गोदान एक्सप्रेस जो छपरा तक जाएगी? हाँ। कहाँ से आप आ रहे हैं? मुंबई से। मुंबई से ऐसे अंधेरे में आए हैं? नहीं, वहाँ दिन में था तो बस अंधेरे में आया। अच्छा, रात भर अंधेरा था, रात भर अंधेरे में आए हैं? किसी से आप लोग कहे नहीं कि लाइट नहीं है? कोई बोलने नहीं आया हमारे पास, कुछ जानते ही नहीं। कोई बनाने भी नहीं आया? अभी ये कहाँ पे गाड़ी पहुँची? मऊ से छुट्टी अभी? हाँ। क्या नाम है आपका? कहाँ जाइएगा? मुंबई छपरा। छपरा जाइएगा? मुंबई। ये कौन सी ट्रेन है? लोकमान्य तिलक है, गोदान एक्सप्रेस।
जो छपरा जाएगी, तो आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं छपरा से, मुंबई से। मुंबई से आ रहे, कहाँ जाइएगा? हम जाएंगे भट्टी। भट्टी जाइएगा? ये कब से इसमें डब्बे में लाइट नहीं है? रात से नहीं है, करीब 10 बजे के बाद से। 10 बजे से नहीं है, तो डर तो कुछ ना कुछ बना हुआ होगा, लूटपाट का डर तो लगता होगा ना, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, लूटपाट ना हो जाए? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन अंधेरा में डर लग रहा था ना आप लोगों को भाई, हादसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? गारंटी नहीं है, हो सकता भी है। हाँ 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 ठीक है, क्या नाम है आपका? रवि।